दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले अब बेतहाशा दहशत फैलाने लगे हैं। बेकाबू हालात को देखते हुए सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का भी फैसला ले लिया है। इस बीच कोविड 19 की दूसरी लहर के खत्म होने के बाद अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 3 गुना तक बढ़ गई है, जबकि नए संक्रमण की दर दूसरी लहर के बाद अब 82 गुना से अधिक बढ़ गई है। आपको बताएं, इससे पता चलता है कि दिल्ली में नए संक्रमण में वृद्धि के बावजूद चिकित्सा देखभाल की जरूरत वाले रोगियों में बहुत मामूली वृद्धि देखी जा रही है। दुनिया भर में देखा जाए तो ओमिक्रोन के तेजी से फैलने की वजह से केस में बहुत ज्यादा वृद्धि देखी गई है। दिल्ली में जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है उनकी वर्तमान संख्या वास्तव में बहुत कम है। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार मरीजों की 2 श्रेणियां हैं। पहला, ओमिक्रोन के वो मरीज जिन्हें तुरंत चिकित्सा देखभाल की जरूरत है लेकिन आइसोलेशन के लिए उन्हें भर्ती किया गया है, और दूसरे वो मरीज जिन्हें दिल्ली के स्वास्थ्य बुलेटिन में संदिग्ध मरीज बताया गया है।